गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा सातवीं का नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। अध्याय चार है, ठीक है। अध्याय का नाम है समाज और महिलाओं की भूमिका, ठीक है। समाज और महिलाओं की भूमिका, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर का आशय, जेंडर भेद का अर्थ, महिलाओं के लिए किए जाने वाले समाज में जेंडर भेदभाव, ठीक है। तो इस अध्याय में हमने महिलाओं के बारे में कौन से पूर्वाग्रह होते हैं तथा समाज में कैसे जेंडर भेद आज भी प्रचलित है, इनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। जेंडर का आशय, जेंडर क्या होती है, जेंडर को हम लिंग भी बोलते हैं, जिसके आधार पर मनुष्य लड़का या लड़की की पहचान की जाती है। मनुष्य का जन्म एक जैविक प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसके आधार पर उनके लिंग का क्या होता है, निर्धारण होता है, लिंग की पहचान की जाती है कि लड़का है या लड़की, इसी को हम जेंडर कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जेंडर भेद का अर्थ। जेंडर भेद का अर्थ लिंग के आधार पर अर्थात लड़का एवं लड़की के पालन पोषण पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। इसी प्रकार जेंडर के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को जेंडर भेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महिलाओं के लिए किए जाने वाले समाज में जेंडर भेदभाव, आज भी समाज में महिलाओं के संबंध में क्या होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, पुरानी सोच रूढ़ी परंपराएं एवं मान्यता होती, जिसके आधार पर लड़की एवं लड़का के पालन पोषण पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। लड़की को ज़्यादा तक पढ़ाई नहीं करने दी जाती है, उनका कार्य केवल घर के देखभाल एवं बच्चों के पालन पोषण के संबंध तक सीमित रहने देते हैं तथा लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाने देते, उनका कार्य केवल खाना बनाना झाड़ू पोछा तक ही रखते हैं तथा महिलाओं के विषय में यह पूर्वाग्रह होती है कि वे ज़्यादा पढ़ लिखकर क्या करेंगे, उनका कार्य केवल बच्चों के पालन पोषण का है तथा महिलाओं के संबंध में बाहरी भी अलग मान्यता होती है, महिलाओं को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं दी जाती है, साथ ही अभी भी जेंडर भेद किया जाता है, जेंडर के आधार पर महिलाओं के नौकरी करने नहीं देते, नौकरी करना अच्छा नहीं समझा जाता, जबकि लड़कों को नौकरी करने के लिए बाहर जाने देते हैं। घर कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो लड़की की शिक्षा की प्रबंध ना करके लड़के की शिक्षा की बेहतर प्रबंध करते हैं और लड़की को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं, जेंडर भेद करते हैं और लड़कियों को बचपन में ही खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है, लड़कों को क्रिकेट बॉल ये सब खेलने के लिए दिया जाता है और लड़कियों और लड़कों में यहीं से क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, जेंडर भेद। समाज में क्या किया जाता है, लड़कियों एवं लड़कों के पालन पोषण में रूढ़ी एवं मान्यता को आगे लाया जाता और लड़कियों की अपेक्षा लड़कियों के पालन पोषण में क्या किया जाता है, भेद किया जाता है। ये क्या है, जेंडर भेद। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।